हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी कैजुअल्टी? निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी एक दुर्घटना थी और हमें बहुत बड़ा दुख है इसका, जो खेद भी है कि करीबन 24 आदमियों की इसमें मृत्यु हो गई, 5 को रेफर किया, 5 ठीक है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्घटना है। इस समय में जो जनता की जो हमारे सामने डिमांड आई कि पुलिया के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार नहीं है, पुलिया चौड़ा करना है, इसको हम प्रशासन की तरफ से संबंधित विभाग को और सक्षम लेवल पर हमें अपनी तरफ से लिखकर भी भेजें। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में बात करके जो दुर्घटना होने से CM रिलीफ फंड से 1,00,000 रुपये मृत्यु पर देते हैं, उसको मैंने स्पेशल केस में हवाले के लिए रिक्वेस्ट करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के, मुख्यमंत्री महोदय का, प्लस कार्यालय का, तो उन्होंने 1,00,000 के बजाय इसको 2,00,000 की घोषणा की, तो प्रत्येक मृतक को डबल जो है 2,00,000 रुपये हम CM रिलीफ फंड से मुआवजा कलेक्टर कोटा द्वारा दिया जाएगा। और मैं यहाँ की जनता की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहूँगा कि दुर्घटना होने पर लोगों ने स्वयं आगे आकर उसका रिलीफ ऑपरेशंस, हमारे उपखंड अधिकारी पहुँच चुके थे मौके पर तुरंत, और उन्होंने मेरे को अवगत कराया कि साहब ग्रामीण लोगों ने, यहाँ के लोगों ने उसमें पूरा सहयोग किया, SDRF की टीम पहुँच गई, सब लोगों ने अपना प्रयास पूरा किया। हम उनकी प्रशासन की तरफ से मैं उनको सबको धन्यवाद भी दूंगा और ये अपेक्षा करूँगा कि वो प्रशासन के साथ इसी प्रकार से जनता मिलकर हमारे साथ काम करती रहे और इस संबंध में जो भी इनकी समस्याएं वो उनसे आज चर्चा हुई है विस्तृत रूप से, मैं पुनः वहाँ आऊँगा इलाके में और इन लोगों से बात करके जो भी सबको प्रयास होगा। कहाँ से कहाँ को ये लोग जा रहे थे, क्या कार्यक्रम था? ये कोटा के दादाबाड़ी से मुरलीधर धोबी के परिवार से अपने मायरा लेके जा रहे थे और स्वयंमाधोपुर जा रहे थे, तो बीच में उसमें जो सर्वाइव आदमी उसने बताया कि साहब वो टायर जो उसको थोड़ा सा मोड़ा तो वो टायर निकल गया और वो गाड़ी में नीचे चले गए। प्रथम दृष्टया किसकी लापरवाही सामने आ रही है सर? प्रथम दृष्टया तो मुझे लगता है कि भाई मैकेनिकल फेलोर है उस आदमी का, तो ड्राइवर तो उसने जैसे मोड़ा होगा उसमें टायर निकल गया जैसा वो बता रहा है, तो इसलिए मैकेनिकल